नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके सवालों के जवाब देने के लिए बनाए गए हैं। आप इन वीडियोस को इकोसेंसस के होमपेज ecosensus.in और इकोसेंसस होमपेज की लाइब्रेरी मेन्यू में भी देख सकते हैं। जब आप इन्यूमरेशन के लिए फील्ड में जाते हैं तो जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, उनके समाधान के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। जब आप इन्यूमरेशन के लिए फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि किन ढांचों यानी स्ट्रक्चर्स को गिना जाए और किन को नहीं, यानी किन स्ट्रक्चर्स को अदर्स की श्रेणी में डाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि कोई भी स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है उसे छोड़ना नहीं है, वो किसी ना किसी श्रेणी के अंतर्गत गिना जाएगा। इसमें निजी या सरकारी ढांचे हो सकते हैं। अब इनमें अदर्स कौन से होंगे? जिस भवन या भवन के किसी हिस्से में अंदर जाने का दरवाजा मुख्य दरवाजे से अलग हो, या कॉमन आंगन या सीढ़ी हो, उसे अलग भवन की तरह गिना जाएगा। इनमें ये भवन अदर्स हो सकते हैं जो भवन ना तो रिहायशी हो और ना व्यावसायिक हो, स्थायी तौर पर बंद हो, साथ में इकोनॉमिक सेंसस के दायरे से बाहर हो, जैसे सरकारी कार्यालय, रक्षा भवन या अंतरराष्ट्रीय संस्था आदि हो। अगर किसी इकोनॉमिक गणना वाले भवन में कोई आर्थिक गतिविधि चल रही हो जो सातवें इकोनॉमिक सेंसस के दायरे में आती हो, तो उन्हें अलग इकोनॉमिक गणना वाले भवन के तौर पर रिहायशी या व्यावसायिक श्रेणी में गिना जाएगा। यदि आप ईसी हाउस के बारे में निश्चित धारणा नहीं बना पाते हैं तो आपके इकोनॉमिक गणना वाले ऐप में उसे नॉट डिफाइंड चिन्हित करने का प्रावधान है। ऐसे केस में पेंडिंग दिखाया जाता है और बाद में उस भवन में जाने पर उसकी श्रेणी बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए एटीएम, कोई पूजा घर, स्थायी तौर पर बंद घर, सरकारी कार्यालय, रेहड़ी या खोमचा, रक्षा भवन या अंतरराष्ट्रीय संस्था। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। किसी सवाल, समस्या या शंका के समाधान के लिए 1800-121-4626 पर फोन कर सकते हैं।